वेलकम टू निक्स वी टीवी। आज इस वीडियो में हम कुछ टेस्टी, हेल्दी और स्वीटनेस की बात करेंगे। यस, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसी रेसिपी की बात करने वाले हैं जो एक्चुअली सबको पसंद है, मैक्सिमम हर फेस्टिवल में बनता है, और वो है गुजिया। जानते हैं कि ये गुजिया कैसे बनती हैं। मेरी मम्मी ने आज बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड करके इसकी रेसिपी आप तक पहुंचाई जाए। ये जो गुजिया है, इसकी खास बात ये है कि ये दिखने में तो यमी है ही, साथ में क्रंची, क्रिस्पी और टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए जानते हैं रेसिपी कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको डो कहते हैं, यानी कि जो इसका आटा होता है, सानना होता है, वो किस चीज़ का होता है? वो होता है मैदे का। तो आपको यहाँ पे मैदा लेना है, और उस मैदे में पहले आप उसको छान लीजिए, साफ़ रखिए, साफ़ सुथरा मैदा, और उसके बाद उसमें लीजिए थोड़ा सा तेल। अब आपको तेल कौन सा लेना है, जो आप तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल यूज़ किया है, और उसके बाद मैं इसको हल्के हाथ से घुमाएंगे और सानेंगे, हम इसको डो तैयार करेंगे। तो साथ में थोड़े से तेल के बाद हमें पानी भी मिलाना है, क्योंकि सानने के लिए हमें पानी की भी ज़रूरत होती है। तो उसके बाद आप नॉर्मल पानी आपको लेना है और आटे में डालना है, और ये मैदा है, आटा नहीं, सॉरी, मैदा है। मैदे में आपको पानी और तेल के साथ सानना है, और ऐसा सानना है कि थोड़ा टाइट रहे। तो आप देख लीजिए, जब यहाँ सान लिया हमने, तो उसके बाद हमारा जो डो है वो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। तो अब जानते हैं कि जो हम गुजिया में अंदर फिलिंग्स भरते हैं, वो उसमें क्या क्या डलता है। उसमें हमें सबसे पहले नारियल भी ग्रेट कर लेना है, साथ में बादाम को ग्रेट कर लेना है, काजू को ग्रेट कर लेना है, किशमिश रखनी है, इन सबको आपको लेना है, क्योंकि ये उसमें भरा जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा सूजी लेना है, क्योंकि सूजी के साथ उसमें थोड़ा सा जो खोया होता है वो चिपकेगा नहीं। और चीनी लेनी है, और ये हमारा खोया है, आप देख सकते हैं, मावा जिसे कहते हैं। इन सब में, इस मावे में हमने नारियल, हमारा कसा हुआ नारियल, और काजू का पाउडर, और बादाम का पाउडर, और किशमिश, उसके साथ साथ हमें जो डालना है वो है चीनी पाउडर। आपको चीनी यहाँ पे पाउडर फॉर्म में यूज़ करनी है, और उसमें आपको जो हमारा सूजी है वो मिक्स करके, इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका ऐसा तैयार हो जाएगा फिलिंग जो आपको डालनी है उसमें। और ये है हमारे स्ट्रक्चर्स, जो कि गुजिया के शेप में लाने के लिए इस तरीके की, हमें प्लास्टिक की भी आपको मशीन टाइप मिल जाएगी, आपको स्टील की भी मिल जाएगी। आपको ये गुजिया का जो फॉर्म शेप देने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। अब आपको मैदे से बेलना है, तो कुछ इस तरीके से जो मैदे वाला हमने साना था उसको थोड़ा सा लेकर के, जैसे आप पूड़ियाँ बेलते हैं उस तरीके से आपको इसको बेलना होगा। और बेलने के बाद इसको रखना होगा उस गुजिया को शेप देने वाली मशीन के ऊपर, जो कि हमारी इस तरीके से है। अब हम इसके ऊपर किस तरीके से उसको शेप देंगे गुजिया को, आइए उसकी प्रोसेसिंग देख। तो सबसे पहले गुजिया को शेप करने वाली इस गुजिया मेकर में आपको करना ये होगा कि थोड़ा सा तेल लेकर के पहले तो इसके पूरे अंदर वाले पोर्शन में आपको ग्रीसिंग, जिसे कहते हैं ना, वो करनी होगी। उसके बाद आपको लेना है वो जो आपने मैदे से पूड़ियाँ बना रखी हैं, पतला जो बेला है आपने, उसको ले करके इसके ऊपर डालना है। और फिर उसके बाद आपको वो खोया, जो कि आपने, जिसमें आपने सारे मेवा और सूजी, चीनी वगैरह मिक्स करके जो बनाया था मिक्सचर, उसको इसमें एक चम्मच डालना है, और फिर उसे क्लोज़ करना है टाइटली और ओपन करना है। गुजिया की एजेस आपस में चिपक सके, इसलिए उसको एजेस पे हम पानी लगाते हैं, ताकि वो आपस में चिपक सके। और अब आप देखिए, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनकर निकलेगी। इसे आप वापस से, आप इसका एक रिकैप देख सकते हैं। हमने पहले लिया उसको, फिर एजेस में हमने पानी लगाया ताकि ये चिपक सके अच्छे से। अब हमने इसमें मेवा भरा और अच्छे से उसको पूरा फिलअप किया, एंड देन उसके बाद अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे अगेन, और साइड से जो कॉर्नर से एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम निकाल देंगे।
ये वापस से बच जाएगा, यूज़ में आ जाएगा। एंड देन उसके बाद इसको ओपन करेंगे और ये हमारा तैयार। याद रखिएगा, मशीन के अंदर जो है आपको ऑयल लगा के रखना है सो डैट कि ये चिपके नहीं, और जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पे पानी लगाना है ताकि आपका अच्छे से बंद होने के टाइम ये फटे नहीं। बिकॉज़ अब जब फ्राई करेंगे तो हम ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि ये इसका जो एजेस है वो ओपन ना हो, और उसके लिए आपको अंदर साइड में पानी लगाते हैं। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपको बनानी है गुजिया। आप जितनी चाहे आप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कितना है और आप किस हिसाब से बना रहे हैं। जब आप बेलेंगे तो ये याद रखिएगा बहुत पतला और बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का। अब हम बात करते हैं कि आगे हमें कैसे करना है। ये हमने ढेर सारी गुजिया बना ली है और अब इसको फ्राई करने का टाइम आ गया है। अब हम इसे एक एक करके पैन में डालेंगे। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। आपके पास नॉन स्टिक है तो आप उसे यूज़ करिए, आपके पास एल्युमिनियम की है आप उसे यूज़ करिए, आपके डिपेंड करता है। मैं क्योंकि हेल्दी पर्सन हूँ, मुझे हेल्दी चीज़ें पसंद हैं, तो दैट्स वाई मैं हमेशा लोहे ही पसंद करती हूँ। तो मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। ऑयल आपके ऊपर है, आप जो भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और अब मैं इसमें गुजिया को फ्राई कर रही हूँ धीरे धीरे। और ध्यान रखिएगा कि गुजिया फटे नहीं, उसकी एजेस अच्छे से चिपकी हो, क्योंकि अब ये फूलती हैं अच्छे से, और आपको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए, मतलब हल्का सा गोल्ड कलर ना आ जाए। और जब जैसे ही इसमें गोल्डन आपको लगे कि हाँ ये हो गई है, बहुत ही मीडियम फ्लेम पर रखिएगा सो दैट कि ये क्रिस्पी हो, क्रंची हो और बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही टेस्टी हो। तो अब आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा रेडिश और थोड़ा सा ब्राउनिश जैसा, येलोइश जैसा हो गया। अब आप इसको इससे निकाल लीजिए एक एक करके, और ध्यान रखिएगा कि उनमें चोट ना पहुँचे, वो फटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही फूल जाते हैं जब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। तो अभी हमने एक एक करके सारी गुजिया को बाहर निकाल लिया है अपने पैन से, और ये था हमारा लास्ट स्टेप, क्योंकि अब हमारी गुजिया जो है वो बनके गर्मा गर्म तैयार हो गई है। वैसे तो आप इसे अगर गर्मा गर्म खाना चाहते हैं तो नाउ इट्स टाइम टू हैव इट, अदरवाइज़ जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे खा सकते हैं। तो अब ये गुजिया हमारी रेडी हो गई है, आप इसे खाइए, मज़े लीजिए और बताइए कैसी बनी है ये गुजिया। तो अब एंड में मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए सो दैट कि हमारी अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वी टीवी।